यहाँ से क्यों आ रहे हैं? ये पेड़ टूट जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ से आ जाते। हाँ आ जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप? के कर रहा हूँ। ये उठाइए यहाँ से। और कहाँ गे रूं फिर? ये उधर डाल के आओ डस्टबिन में। चाहिए उठाइए। अब किधर? वहां जाके हाथ धो के आइए। उधर साफ सुथरे हाथों को भी धोवावे, कोई बात है या? और अगर आपको पानी पीना हो तो पीने का पानी वो मटके में रखा है। अब आप कहाँ चले? मैं जा रहा हूँ धनपाल के चौतरे पर ताश खेलना। ताश बाद में खेलना, पहले मेरे साथ कुछ काम करा दो। अरे काम कल करवा तो दिया सारा, अब की है? अरे कल का काम अलग था, आज अलग है। आज की है? आज हम बाहर की सफाई करेंगे। सफाई? देखिए सफाई कितनी हो तो रही है या? घर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी है। अरे घर की बहुत है, बस रहने दे तू। देखिए आप हमारी बात तो सुनते नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री जी की तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की हम क्यों सुना जब वो हमारी नहीं सुनता? हिसाब बराबर। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके लिए वो खुद सड़कों पे उतरे हैं झाड़ू लेकर। अरे ये नेता पब्लिक का बेवकूफ बनावे, समझ गई ना, कोई झाड़ू वाड़ू लेकर नहीं उतरता। वो ऐसे नेता नहीं है, वो सच में बहुत अच्छे नेता है, सफाई पे पूरा ध्यान रखते हैं। तू रिश्तेदार है के प्रधानमंत्री की? मैं रिश्तेदार हूँ आपकी, पत्नी हूँ आपकी, और आपको मेरे साथ चलना ही होगा बस। अजीब औरत है भाई। अरे के रौला रुका मचा रखा भाई। देखिए ना पिताजी, मैं इन्हें बाहर की सफाई के लिए बोल रही हूँ, ये मना कर रहे हैं। क्यों भाई, जब ये कह रही है तो जाता क्यों ना? थारी ने भी लगवाई की कभी झाड़ू थारे पे? अरे हमारी ने तो तेरे पे भी ना लगवाई कभी। तो ये मास्टर नहीं मेरे गले में घालनी जरूरी थी के? भैया ये तो अपने अपने कर्मों का फल है और सभी को भुगतना पड़े। जा बेटा जा, झाड़ू लगा, बहु खड़ी देख रही है, जा। मैं उधर साफ कर लेती हूँ, आप ये कर लीजिए। अरे क्या हो रहा हो करे? जब नई नई बहू आवे 2-4 दिन चमक दिखाई करे। अरे अरे भाई यू क्या हो रहा? अरे के चल रहा विकास भाई? स्वच्छता अभियान चल रहा है, दिखता ना भाई। अगर ब्याह के बाद ऐसी हालत हो जाएगी मैं तो फिर कुंवारा ही रह लूंगा। अरे इसे देख कर तो मेरे भी कपकपी चढ़े हैं। उस रात वाले अभियान का कह रहा है? अरे उसका तो मैडम जिक्र ही नहीं आने दे रही। फिर कैसे बनेगी बात? कैसे के बनती, आज ज्यादा टैटे करी तो 2 लगा दूंगा मैं। हैं? अरे क्या खुसर खुसर कर रहे हो? चाची कुछ ना, हम तो इसे बुलाना आए थे। अरे ये चोखा काम कर रहा, तुम जाके ताश ही खेलोगे? जिंदगी बर्बाद करके रख दी। माची ये लड़ाई सी कहाँ हो रही है? कौन तो लड़ाई, तुम सब अंदर चलो, तेरे वाली सफाई। यू जद्दा होगा अपनी बहू को पीट रहा होगा, तू के ले उनसे। लेकिन माची क्यों? वो तो उसका रोज का काम है भाई, इसने भी जीवन नरक बना रखा आज बहू का। लेकिन उसे कोई रोकता क्यों नहीं? कौन रोकेगा उसे? जो कोई रोके उसे गाली देगा, भगा दे। लेकिन ये हमारा समाज किस लिए है? ए बहू रुक, तू मत जा वहाँ, तुझे भी वो शराबी गाली देगा भगा देगा। जान देना, जितनी तेज जा रही है उतनी जल्दी उल्टी भी आओगी। साली कमीने, तुझसे मैंने इतनी बार कह दिया, मेरा कब बोला ना कर तो बोला ना कर। औरत आदमी की पैर की जुत्ती होती है जुत्ती, और जुत्ती पैर में ये अच्छी लगती है, समझी? जुत्ती नहीं होती औरत, सर का ताज होती है औरत।
घर की शान होती है औरत, और आप इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। मेरी बहू, मैं कुछ भी करूं, तू कौन रखती है? वो गर्भवती है, और आप इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं? कोई दुर्घटना हो जाए तो? हो जान दे दुर्घटना, मेरा बालक, मेरी बहू, मारूं या जो करूं, मेरी मर्जी, चली जाए यहाँ से। नहीं नहीं आई है, शर्म कर रहा हूँ। क्या शर्म कर रहे हो तुम? शर्म है तुम्हारे अंदर? ओ चाचा, ले जा अपनी बहू को। ओ कुसुम, संभाल अपनी बहू को, तुम्हारे घर के झगड़ा में टांग ना रहा है। किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का जुल्म किसी का निजी मामला नहीं हो सकता, और आप जैसे लोग ऐसी बेतुक की दलील देकर कभी किसी बेबस नारी पर या तो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर कभी कुछ और करते हैं, फिर हम क्यों इस समाज का हिस्सा हैं कि यहाँ पर हो रहा अत्याचार जब किसी का निजी मामला हो सकता है? और आप क्यों सहन कर रही हैं इनके जुल्म? मर्द है मेरा, इससे ज्यादा क्या कर सकते? पिटेगा तो पिट लूंगी, इससे ज्यादा क्या कर सके औरत? एक औरत, सिर्फ एक औरत जो चाहे कर सकती है। औरत आदमी से पिटने के लिए नहीं होती है, वो उसके जीवन में भागीदार, हिस्सेदार और बराबर की हकदार होती है। जब औरत घर को संभाल सकती है तो वो समय आने पर इंदिरा गांधी बनकर देश को भी संभाल सकती है। अपनी ताकत को पहचानो। ए बहू, नई नई बात ना बतावे, यो पाठ अपनी सास को जाके पढ़ा। ये मेरी बहू है, मैं तो इसे मारूंगा, देखे तू क्या करेगी। मेरे सामने तुम इसे छूकर तो दिखाओ। क्या कर लेगी तू? हमारे संविधान में एक औरत को कई सारे अधिकार दिए गए, जो आप कर रहे हैं ना, उसके लिए धारा 319 के तहत आपको जेल भी हो सकती है। औरत की बेइज्जती करना, उस पे झूठे आरोप लगाना, उसके लिए धारा 499, जिसके लिए 2 साल तक की सजा है। दहेज की मांग करने वालों के लिए धारा 498A है, जिसके लिए आजीवन कारावास भी हो सकता है। औरत के साथ अश्लीलता करना, धारा 294, उसको गाली देना, धारा 509, और औरत के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना या संबंध बनाने वालों के लिए धारा 376। और जब कानून औरत के साथ है तो तुम जैसे घटिया लोग औरत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आज के बाद अगर तुमने इन्हें कुछ कहा ना, तो आज तो सिर्फ धाराएं बताई हैं, अगली बार ये तुम पर लगवा भी दूंगी। तुझे क्या जरूरत है दूसरे की लड़ाई में जाने की? माँ जी, और कोई भी हो, किसी की भी हो, हमें उस पे हो रहे अत्याचार का विरोध करना चाहिए। बस बस सुन ली तेरी, किसी की लड़ाई में जाने की जरूरत नहीं, और घर में रहे ऐसे जैसे बहू बेटी रह करें, आगे समझ में? अरे वो अपने घर में कुछ भी करें, हमें क्या मतलब है? देखो ना, उसकी माँ ने 4 बात और हमें सुना दी, जो पिट रही तो कुछ कह रही नहीं, यूँ खामा खा पंगा ले रही है। माँ जी तो क्या करे, उन्हें वही सब सिखाया गया है, वो बेचारी तो अनपढ़ है, कानून भी नहीं जानती। अरे तू कानून के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। देखो, जुल्म करने वाले से बड़ा पाप का भागीदारी होता है जुल्म सहन करने वाला, और जुल्म होते देखने वाला उससे भी बड़ा। तो तू हमें पढ़ाना आई है के? मैं पढ़ा नहीं रही। देखो, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम सामाजिक प्राणी क्यों हैं? ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें। और अगर एक औरत होके मैं एक औरत के हक के लिए नहीं लड़ सकती, फिर तो लानत है मेरे औरत होने पे। भाई हमारे तो बस की है ना जुबान लड़ानी, हमें पता नहीं है कि इसकी इतनी जुबान चले। भैया के कहवे, मेरी तो कुछ समझ में आता नहीं, मारे में ना इतना दिमाग। आप यहाँ गन्ना चूस रहे हैं तो ये छोकते किसी तसले या टोकरे में डाल देते। यहाँ गली में भी? अरे यहाँ तो पड़े रहने दे। बाहर की सफाई भी बहुत जरूरी होती है, आप उठाइए इन्हें और तसले में डाल के आइए। चल मैं उठा दूंगा। उठा दूंगा नहीं, अभी उठाइए। चल ठीक है, आज तू कुछ भी उठवा ले।
अरे भाई तो बीबी तसले उठा रहा। अरे भाई अभी तो सूख का ही दिख है। कह रहे हैं पेशी भी हुई है, अभी धारे चल रही है। देख नहीं रहे मैडम लंगड़ा रही है। अच्छा तो ये बात है। आशा दीदी, आशा दीदी, क्या हुआ आशा दीदी? आपके सास कहाँ हैं? वो दाई को बुलाने गई हैं। और आपके पति? वो 1000 रुपये पड़े हैं। आप ये खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अरे दाई गई तो है, दाई को बुलान। मैं दाई पे विश्वास नहीं कर सकती, हम इन्हें लेके चलेंगे। हम क्यों लेके चलेंगे, इनके घर वाले लेके जाएंगे इन्हें। जब हम इनके पास है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें लेके चलें। अब जल्दी से जाइए, ट्रैक्टर लेके आइए। आशा दीदी आफत है भैया। आशा दीदी प्लीज, जीना हराम कर। आशा दीदी सारे काम ही सही करने हैं देश के। या बहू ने अस्पताल ले आई, इतना खर्चा होगा कहाँ से होगा? आशा के पति कौन है? जी मैं हूँ। लड्डू मंगा लीजिए, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है आपके घर। ठीक है, छोरी के होने में लड्डू खिलाए जावे के? क्यों नहीं ताई जी। थैंक यू डॉक्टर। आशा दीदी और बच्चा कैसा है? दोनों ठीक है, बच्चा कमजोर है, माँ में खून की कमी है, और दोनों का खाने पीने का ध्यान रखें। पता ना कौन सा कर्म हमारे आगे आया जो हमारे छोरी हुई। ताई जी छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है आज। कैसे फर्क नहीं पड़ता, सिर से लेके पांव तक फर्क ही फर्क है। अरे ओ जग्गा, जाकर छोरी का गला घोड़ते तो जीवन भर के बोझ से बचना चाहता है। बस करो आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे शर्माती आपकी ऐसी सोच पर। दूसरों के मामलों में नेतागिरी करनी अलग बात है, जब खुद के छोरी होगी तो पता चल जाएगा। ताई जी अगर मुझे लड़की हुई ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, आप देख लेना, आप भी यही और मैं भी यही। ठारा होगी तुम खुशोलियो, हमें ना बिल्कुल भी छोरी होने से खुशी। अरे भैया खुशी हो या गम हो, थारा छोरी होगी तुम जानो और थारा काम जाने। चल भाई हमारा काम हो लिया खत्म, चल। हाँ हाँ तुम जाओ, हम अपनी को मारे या छोड़ दे। शर्म नहीं आती आपको ऐसा बोलते हुए? आपको बेटों के लिए बहू चाहिए, बच्चों के लिए माँ चाहिए, भाई के लिए बहन चाहिए, पर लड़की किसी को नहीं चाहिए। अगर बेटी ही नहीं होगी तो अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और भगत सिंह कहाँ से पैदा होंगे? वो बेटियाँ ही हैं जो आज विदेशों में जाके हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, गीता बबीता, साइना नेहवाल और किरण बेदी। और अगर उस बच्ची को कुछ हुआ ना तो आप लोगों की रिपोर्ट करने वाली मैं होंगी, मैं, ध्यान रखना आप लोग। और हाँ वो बच्ची आपकी बेटी है, आपकी पोती है, उसे प्यार से पालिए, उसे मारिए मत, क्या पता कल को वो बड़ी होकर कल्पना चावला या मैरी कॉम बन जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यही हमारे देश की जरूरत है।